सुबह सुबह यार सब्सक्राइबर आए यार, मुझे यार बड़े कीमती गिफ्ट दे गए हैं। फाइनली यार सुल्तान ना गिव अवे होने के लिए जा रहा है। हमारे इतने प्यारे रैबिट है, उसके अंदर दोस्तों कोई भी रैबिट नहीं बचा। कुड़क वाली मुर्गी दोस्तों अंडे तोड़ी जा रही है। पिजन्स का दोस्तों मैं यार सारा सेटअप खत्म करने वाला हूँ। कल रात से यार मैं ना नोट कर रहा था कि मुझे यार एक रैबिट नजर नहीं आ रहा। अभी यार मैं ना मास्टर केज के अंदर आया हूँ, मैंने यार सारा चेक किया, मुझे यार इतना दुख हो रहा है मैं आपको यार बता नहीं सकता। मैंने आपको बताया था कि यार इनको ना कोई ऐसी एलर्जी हो गई है जिससे यार मैं इनको हाथ लगाता हूँ तो मेरे हाथ के ऊपर ना खारिश होना स्टार्ट हो जाती है। तो मैंने यार इनको ना मेडिसिन तो लगा ही दी थी, लेकिन अभी दोस्त मैंने देखा यार रैबिट है उसके अंदर ना एक रैबिट यार मरा पड़ा हुआ है। पता नहीं यार ये ना कल का ही मरा हुआ है। कल दोस्त मुझे यार ये ना नजर नहीं आया, मैंने सोचा यार ये ना बच्चे देने वाले हैं तो हो सकता है यार अंदर ना कोई रैबिट जाके बैठा हो। लेकिन अभी दोस्तों मुझे पता लगा कि हमारा यार ब्लैक वाला रैबिट ना एक्सपायर ही हो गया है। दोस्तों मैंने ना यार रैबिट को ना बाहर निकाल दिया, ये देखे दोस्तों मर के ना यार बेचारा फूल गया। पता नहीं यार इसको ना कौन सी बीमारी थी, मैंने यार हाथ के ऊपर ना शोपर चढ़ा लिया क्योंकि इसको यार कोई ना स्किन की बीमारी थी। तो ऐसे यार कुछ भी हो सकता है, एहतियात यार जरूरी है। तो मुझे यार समझ नहीं आ रहा यार इसको हुआ क्या। मैंने हालांकि यार इसकी ना ट्रीटमेंट भी की है, जल्दी से यार मैंने इसको पकड़ता हूँ और यार बाहर लेके चलता हूँ क्योंकि हमारे यार दूसरे रैबिट को भी ना इससे यार कुछ हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा प्लीज, यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सुबह सुबह दोस्तों इतनी बड़ी यार बैड न्यूज मिली है कि मैंने यार सोचा भी नहीं था। देखिए यार कितना बड़ा रैबिट है, इसके पास यार भू भी आना स्टार्ट हो गया। ये दोस्तों कन्फर्म यार हाथ का मरा हुआ है। मैं यार जल्दी से इसको दफना के आता हूँ इससे पहले यार इसकी भू से ना यार दूसरे परिंदों को भी कुछ हो। इस वाले रैबिट को देख के दोस्तों मुझे इतना दुख हो रहा है, मैं यार आपको बता भी नहीं सकता। एक साल से ये हमारे पास था और इस वक्त मेरी क्या कंडीशन है आप यार आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों आज सुबह की यार बारिश पड़ गई है, एक बज गया अब जाके रुकी है। और यार डक्स के केजिस की हालत, यार ये वाले केजिस की हालत क्या हो गई है मैं यार आपको ना बता भी नहीं सकता। अब यार डक्स को ना जल्दी से बाहर निकालते हैं, मैं यार सारे केजिस से ना पानी निकालता हूँ और फिर आज बहुत मजा आने वाला है, मैं यार आपको ना सब कुछ बताता हूँ। लेकिन पहले यार सारे मिनी जू के ना केजिस की ना टोटल सारी सफाइयां कर लें। कोई बात नहीं दोस्त, हमारे पास यार एक रैबिट रह गया, लेकिन मैं यार सारे मास्टर केज की ना आज यार डिटोल के साथ सारी सफाई करूंगा। अपने रैबिट को भी दोस्तों किसी यार डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा ताकि अगर यार इसमें कोई इन्फेक्शन है ना तो वो यार क्लियर हो जाए। फिर यार मेरा आपसे वादा, मैं इतने रैबिट लाऊंगा ना कि हमारे यार रैबिट हाउस भी फुल हो जाएगा, साथ में यार मास्टर केज भी फुल हो जाएगा। फाइनली दोस्तों मैंने यार सारे मिनी जू की ना सफाई तो कर दी है। अभी दोस्तों मुझे एक सब्सक्राइबर यार गिफ्ट दे के गया है, मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन सबसे पहले यार पिजन्स को ना बाहर निकालते हैं, यार चेक करते हैं यार नहीं यार ये अपने अंडों के ऊपर ना बैठ ही नहीं रहे। और ऊपर वाले पिजन्स को तो यार दोनों अंडे यार अनफर्टाइल हो गए हैं। इस बार दोस्तों हमारे यार किसी भी ना अंडे में से बच्चा निकला ही नहीं है। मास्टर केज वाले पिजन्स को दोस्तों आज मैंने बाहर नहीं निकालना, फिर यार ये ना पकड़े नहीं जाते। थोड़ी देर यार इनको बाहर निकालते हैं, फिर दोस्तों मैं आपको यार गिफ्ट दिखाता हूँ। अंडे तो दोस्त इनके यार वैसे भी ना खराब हो गए हैं, तो इस बात का फायदा उठाते हुए मैंने एक चीज सोची है जो कि यार आपके लिए भी और पिजन्स के लिए भी ना बहुत बड़ा सरप्राइज होने वाला है। तो इन अंडों को दोस्तों मैं यार साइड पे रखता हूँ क्योंकि इनका कोई भी फायदा नहीं है। कल दोस्तों आपको एक बहुत बड़ा यार सरप्राइज मिलने वाला है। मैं यार सारा का सारा सेटअप खत्म करके यार इधर ना कुछ और बनाने वाला हूँ जो कि यार पिजन्स के लिए ना बहुत बड़ा सरप्राइज है। तो कल वाली वीडियो आपने मिस नहीं करनी। अभी यार मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि चले यार कल ही बताऊंगा। अभी दोस्त मैं यार ये वाले पिजन्स के ना पास आया हूँ। अभी यार मैं चेक करता हूँ क्या यार इनके अंडे फर्टाइल है नहीं फर्टाइल। अगर तो यार इनके अंडे फर्टाइल नहीं है तो मैं यार कल ना इनको न्यू यार अभी रिवील हो जाना, तो मैं आपको कल ही बताऊंगा। जल्दी से यार मैं इनके अंडे चेक करता हूँ। ये वाले अंडे के दोस्तों अंदर यार बच्चा ना एक्सपायर हो गया, इसको दोस्तों साइड पे करते हैं। और एक अंडा यार सही है, यार इनके केज में ना घास भी ना उगना स्टार्ट हो गई है। तो कल मैं इनके केज को भी यार रेनोवेट करूंगा, इसके अंदर यार पेंट ना मैं कर दूंगा। कभी कभी दोस्तों मैं सोचता हूँ कि यार ये वाले पिजन्स को वो वाले पिजन्स को यार ये वाले पिजन्स को ना मैं यार इकट्ठा ही ना यार ये वाले केज के अंदर शिफ्ट कर दूं। लेकिन यार ये वाले केज के अंदर मैं अपने यार असील मुर्गों को ना शिफ्ट करना चाह रहा हूं। तो यार आज तुम ना बड़े केज के अंदर ना शिफ्ट हो जाओगे और ये वाले मुर्गों को दोस्तों मैं यार इधर शिफ्ट कर दूंगा। ये वाले देसी मुर्गों के लिए अभी दोस्तों मैं यार काफी ज्यादा मुर्गियां भी लानी है। और आपको बताया दोस्तों मैंने यार काफी ज्यादा ना रैबिट्स के बच्चे भी लाने हैं। यार दो चीजें हो गई और एक जो मैंने आपको स्पेशल पेट बोला था ना वो यार थोड़ा डिले हो गया। तो एक दिन में हमने यार पेट मार्केट जाकर ना आपकी सारी शिकायतें दूर कर देनी है। इस वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको बोला था कि हम यार एक ना स्पेशल पेट ले रहे हैं, तो यार पेट आ तो जल्दी जाना था लेकिन यार बारिश की वजह से ना डिले हो गया। तो अभी यार मैं ना मास्टर केज के अंदर जाके देखता हूँ किसी ने यार अंडे बच्चे दिए हैं या फिर यार सारे के सारे बर्ड्स ना वैसे ही बैठे हुए हैं।
ओए झगड़ा ना करो झगड़ा ना करो, मैंने यार सभी बर्ड्स को ना बिल्कुल यार नेचुरल एनवायरनमेंट देने की ना कोशिश की है, लेकिन जब से हमारे यार कबूतर हमने इधर शिफ्ट किए हैं ना यार, ये बहुत ज़रा डव को ना डिस्टर्ब करती है। और हमारी यार डव ने भी ना मेरे ख्याल से 2 अंडे दिए हुए थे, जी हाँ 200 दिए हुए हैं। और यार सारे के सारे पैट्स बिल्कुल खुश हैं, बस यार जैसे ही सर्दियाँ आ गई ना, जैसे इनका सीजन आ गया, इन्होंने यार ब्रीड करना स्टार्ट कर देनी है। और सर्दियों के अंदर दोस्तों मैंने यार सारे के सारे मास्टर केज को ना एक दो परिंदों से फुल करना है, वो भी मैं आपको यार टाइम टू टाइम बता दूंगा। ये सारे बर्ड्स तो दोस्तों आपको यार नजर आ ही रहे हैं, लेकिन आपने यार गौर किया होगा कि अब यार मास्टर केज के अंदर ना कोई भी रैबिट नहीं है। तो यार एक रैबिट हमारे पास ही है, लेकिन कहाँ पे शिफ्ट किया है वो भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहले यार मैं ना इनका कुछ कर लूँ। यार ये ना बहुत ज़रा डव्स को ना मारते हैं, ये वाले यार फिर भी सही है, लेकिन ये वाला तो यार आगे से किसी को भी नहीं छोड़ता। सबसे पहले यार असील मुर्गों को ना बाहर निकालते हैं, उसके बाद दोस्त मैं आपको यार ये भी बताता हूँ कि मैंने यार हैबिट को ना कहाँ पे शिफ्ट किया है, और साथ में यार गिफ्ट भी दिखाता हूँ। और साथ में यार ऐसा करते हैं डक्स को भी ना बाहर निकाल देते हैं। चलो भी यार सारे के सारे परिंदे ना तुम यार बाहर आ जाओ। अभी दोस्त मैं यार सभी को ना इनकी डाइट भी डालता हूँ, लेकिन पहले मैं आपको रैबिट दिखा दूं। निकलो यार बाहर निकलो, जल्दी करो। अभी दोस्त मैंने यार सभी परिंदों को ना बाहर निकाल दिया है, बस यार असील मुर्गा ना इन सबको यार मारे ना। गोइनोफॉल दोस्त मेरे यार हाथ से ना खा रही है माशाल्लाह। अभी दोस्त मैं यार ग्रीन फूड डालता हूँ, चले यार सारे के सारे परिंदे ना आके खा लेंगे। यार गोइनोफॉल बहुत ज़्यादा सबको मार रही है यार, डक्स को भी मार रही है, सील मुर्गी को, हर एक को यार परेशान कर रही है। चेक करें इसके काम, चेक करें यार इन सबको बाहर निकालने का ना यही मसला है यार, आपस में झगड़ा करते रहते हैं, किसी को भी यार ग्रीन फूड ना गोइनोफॉल खाने नहीं दे रही। रैबिट की फीमेल को दोस्त मैंने यार ये वाले केज के अंदर ना शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि यार ये वाले केज के अंदर जरासीम थे, तो मैंने सोचा यार उसके जरासीम अल्लाह ना करे यार इसको लग जाए, तो यार ये बच्चे भी देने वाली है, तो मैंने इसको अलग कर दिया है। अभी यार कंफर्म नहीं है बच्चे देगी नहीं देगी कोई भी पता नहीं है, लेकिन फिर भी यार मैंने ना एहतियातन इसको ना अलग ही कर दिया है। अभी यार मैंने तुम्हारे लिए चारा भी लाता हूँ, ये लो तुम्हारा ना चारा आ गया है। कुछ दिनों तक ना तुम्हारे बहुत ज़रा पार्टनर ना आ जाएंगे, और फिर तुम ना पहले जैसी ना खुश रहोगी। यार हम ना चार रैबिट लाए थे, सिर्फ यार एक ही रह गया है, तो इस बार मैं सोच रहा हूँ कि हम यार बच्चे ना लाए, हम यार बड़े रैबिट लाए, जो कि यार आते साथ ही ना हमारे यार मिनी जू के अंदर ना ब्रीडिंग स्टार्ट कर दें। ये वाले बॉक्स के अंदर दोस्तों एक बार हमारी यार चिड़िया ने ना अंडे दिए थे, उसके बाद यार वो ना आई नहीं है, तो अभी यार ये बिल्कुल खाली है। मैंने यार सभी केजेस के ऊपर ना वाइट पेंट किया हुआ था, लेकिन अभी यार बिल्कुल खत्म हो गया, बिल्कुल डल हो गया। यार गर्मियाँ काफ़ी ज़्यादा है, तो मैं सोच रहा हूँ यार दोबारा से ना सारे के सारे यार केजेस के ऊपर ना वाइट पेंट कर देती है, क्योंकि यार व्हाइट पेंट करने से ना नीचे यार केजिस में ना गर्मी जाती नहीं है। उसके अलावा दोस्तों हमने यार वहाँ सामने भी यार बॉक्सेस लगाने हैं, इधर भी यार बॉक्सेस लगाने हैं, क्योंकि यार इसी मौसम के अंदर ना यार चिड़िया ना अपना आके ना यार नेस्टिंग करती हैं। बिल्कुल यार ऐसे ना छोटे वाला केज ला के मैंने मास्टर केज के अंदर लगाना है, बस जिसको दोस्तों मैं ना अलग कर दूंगा, फिर ही जाके दोस्त हमारी यार फिंचिस ना अंडे देंगी। और अभी तो हमने यार इसके अंदर गोल्डियन फिंचिस, लुटिनो गोल्डियन, स्ट्रॉबेरी फिंचिस और भी यार काफी देर फिंचिस ला के ना छोड़नी है, लेकिन तब भी लाएंगे जब हमारे बजिस के लिए ना कोई अलग केज आएगा। यार आप लोग क्या कर रहे हो, जल्दी से यार 1K सब्सक्राइबर करवाओ, मैंने यार सुल्तान को ना गिव अवे करना है। पता नहीं यार कौन से खुशनसीब के पास हमारे यार ये वाला मुर्गा जाता है, तो बस यार जल्दी से ना सब्सक्राइब का बटन दबा दो। अगर हमारे इस वीक के अंदर 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए ना, तो सुल्तान के साथ साथ मैं आपको एक और सरप्राइज दूंगा। जय यार ये मेरा वादा है। उसके अलावा यार कल जितने भी कमेंट्स आए थे ना, मैंने सबके यार इधर लगा दिए। अगर आप भी चाहते हो कि आपका कमेंट इधर लग जाए, तो फिर प्यारा सा कमेंट कर देना। कल यार भाइयों ने बताया था यार, पता नहीं कुछ भाई कह रहे थे ये मेल है, कुछ कह रहे थे फीमेल है, और यार मारो तो ना आपने, अभी यार फाइनल बताना है ये क्या है। तो बस भाई यार सब्सक्राइबर आए यार मुझे यार बड़े ना कीमती गिफ्ट दे गए। यार कीमती गिफ्ट क्या है यार, मैं आपको बताता हूँ। पहले यार मैंने इनको जरा साइड पे रखूँ, यार ये पता नहीं यार कौन से चिक्स हैं यार, जो भी ना यार मेरे लिए काफ़ी कीमती है, क्योंकि पहली मरतबा यार किसी भी ना सब्सक्राइबर ने यार गिफ्ट किए हैं। अभी यार मुझे ये नहीं पता कि यार ये असील चूजे हैं, देसी चूजे हैं, कलरफुल वाले हैं, कौन से हैं, लेकिन यार जो भी है ना काफ़ी ज़रा गंदे हुए पड़े हैं, एक्टिव यार काफ़ी ज़्यादा है। मैंने इनके लिए यार पहले ना कोई केज लाता हूँ, उसके बाद ही दोस्तों मैंने इनको कहीं शिफ्ट करूंगा। चीज यार कीमती नहीं होती, कीमती आपका दिल होता है। अगर कोई आपको कोई दिल से चीज दे ना, तो उससे बड़ी कीमती चीज मेरा नहीं ख्याल कोई हो सकती है। यार ये है तो वैसे काफी एक्टिव है, मुझे लगता है यार ये ना कलरफुल चिक्स है। चले यार मैं ना जल्दी से इनकी यार डाइट का बंदोबस्त करता हूँ। काफी भाई यार पूछ रहे होते हैं कि आप यार सुल्तान के ना बच्चों को दिखाते ही नहीं है, तो ये देखे दोस्तों माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है, आपने यार माशाल्लाह लाजमी से बोलना है। अभी यार ये ना बिल्कुल छोटे से है, तो मैं यार ज्यादा इनको यार बाहर निकाल
पता नहीं हूँ क्योंकि यार बारिश वगैरह पड़ रही है, तो अंदर ही यार रहेंगे तो बिल्कुल सही रहेंगे। सुल्तान के तीन बच्चों के नाम दोस्तों हमने यार चिंटू, चुन्नू और मुन्नू रखा था। चिंटू यार बेचारा ये वाले केज में रहता था, वो तो एक्सपायर हो गया है। अब आपने दुआ करनी है हमारे यार चुन्नू और मुन्नू यार बिल्कुल सही सलामत पल जाए। अभी दोस्तों मैंने एक बड़ा यार खतरनाक काम करने वाला, दुआ करें यार बस ना वो काम हो जाए। कपड़े इधर रखते हैं और अपनी यार ये वाली गोइनोफोल को ना पकड़ते हैं। बस यार आज मैंने इसको सही करके छोड़ना, बड़े ड्रामे हो गए इसके। मेन मसला यार ये वाला पानी है, मैं दोस्तों पानी यार भर के ना रखता हूँ और ये पानी उसी टाइम गिरा देती है, फिर यार गीली हो जाती है। पहले इसको साफ करना है, फिर यार इसको अपने हाथों से डाइट खिलानी है और उसके बाद यार इसको जो भी मेडिसिन देनी है ना वो हमने देनी है। अभी दोस्त मैंने यार इसको पकड़ लिया, जल्दी से यार पहले इसको सुखाती है, फिर यार इसको दाना पानी खिलाएंगे और उसके बाद यार इसको मेडिसिन हम लोग डालेंगे। गोइनोफॉल की दोस्तों कंडीशन जो है ना वो काफी सीरियस हो गई है। मैंने यार मेडिसिन वगैरह डाल के ना उसको वो वाले केज में शिफ्ट कर दिया है। अभी यार डक्स को डाइट डालती है, साथ में यार ये वाले मुर्गे किधर गए मुझे यार समझ नहीं आ रही। ये देखे दोस्तों सारी की सारी यार गैंग ने इधर आके बैठी हुई है। अभी दोस्तों मैंने यार सभी परिंदों को ना पकड़ के यार बंद करने वाला हूँ, लेकिन इतनी जल्दी यार ये ना पकड़े नहीं जाएंगे। मैं यार पहले ना सारे के सारे परिंदों को ना बंद कर लूँ, फिर यार मैं आपसे मिलता हूँ। रैबिट्स के जाने के बाद दोस्तों मास्टर केज यार बिल्कुल ना सोना सोना सा हो गया, सारे के सारे यार परिंदे ना दाना खा रहे हैं। जब यार रैबिट ना मास्टर केज के अंदर होते थे तब यार इधर ना सारी की सारी रौनक होती थी, लेकिन अभी यार आप चेक करें बिल्कुल रौनक ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यार परिंदे नजर आ रहे हैं। तो मुझे यार अजीब सी फीलिंग हो रही है, एक साल से दोस्तों हमारे यार रैबिट ना इधर ही थे, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ परिंदों को ऐसे खाता हुआ देख के मुझे अजीब फीलिंग आ रही है। अभी दोस्त मैंने यार कुड़क वाली मुर्गी को ना यार देखने आया था, इसने यार अपना ना एक अंडा तोड़ लिया। अभी यार मैंने ना फेंका है, यार हमने इसके नीचे 11 अंडे रखे थे, अभी सिर्फ और सिर्फ यार 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ही रह गए हैं। अल्लाह करे कि यार अपना 8 अंडों में से ना बच्चे निकल आए। मैं यार आपको दिखा देता हूँ, मुर्गी यार बिल्कुल सही बैठी हुई थी। सभी परिंदों को दोस्त मैंने यार दाना पानी भी डाल दिया, अभी यार मैंने ना डक्स को भी ना डाइट डाल दिया है और ये वाले सारे के सारे परिंदों को भी ना मैंने दाना पानी कर दिया है। तो आपने यार दुआ करनी है हमारी यार गोइनोफॉल ना जल्दी से ना सही हो जाए। तो बाकी दोस्त यही थी हमारी आज की वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर लाजमी कीजिएगा और आपके अपने चैनल फैमिली को सब्सक्राइब भी लाजमी से कीजिएगा। मिलेगी कल नए वीडियो के साथ, नए डॉक्टर के साथ। अपने रखे ख्याल, मुझे रखे दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।